हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका निकुंज बुटीक में। आज फुल घेर अम्ब्रेला सूट बना रहे हैं। ये मैंने 5 मीटर फैब्रिक लिया है और 4 मीटर कपड़ा मैं इस तरह से 4 फोल्ड करके इसको रख दूंगी ताकि पहले हम नीचे वाला घेर तैयार करें। तो यहाँ पे हमारा 1 मीटर हो गया है। अब इसको मैं डबल कर लूँगी, ये हो गया हमारा 2 मीटर। अब इसको खोल के 2 मीटर से 2 मीटर और इस तरह से नाप लेंगे और ये हमारा इस तरह 4 मीटर जो है फैब्रिक इस तरह से हो गया है। अब इसको डबल फोल्ड कर दूंगी तो ये 4 फोल्ड हो गया है। इस तरह नॉर्मल हम 4 फोल्ड लगा के 4 हमारा मीटर हो गया है और ये 4 हमने फोल्ड लगा ली हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकाल दिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कमर तैयार करूँगी तो ये मेरा यहाँ देखिए 4 फोल्ड है और यहाँ से खुली साइड है तरह। और ये हमारी यहाँ पे हम कमर तैयार करेंगे इस तरह, गोलाई में कमर लेंगे और यहाँ बंद साइड रहेगी, ये हमारी ओपन साइड है। तो चलिए यहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट जो है हमारा 8 इंच में कमर तैयार करूँगी। तो मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक इस तरह 10 इंच लिया है। तो ऊपर से देख लेंगे 9 इंच आ रहा है, तो सेंटर में भी 9 इंच पे निशान और यहाँ पे भी 9 इंच पे और साइड में भी 9 इंच पे, ताकि जो हमारे कमर की गोलाई है वो एक जैसी आए। बिल्कुल इस तरह से 9 इंच पे हमारा इस तरह निशान लगा लेना है हमने गोलाई में। कपड़ा थोड़ा सिंथेटिक है, चोक का निशान थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए फ्रेंड्स सॉरी। और इस तरह ये देखिए, यहाँ पे कमर जो है ज़्यादा आ रही है, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर खिसका लेते हैं निशान को, क्योंकि हमारा कपड़ा जो वेस्ट होगा उससे अच्छा है कि हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो जहाँ पे हमारी 10 इंच कमर आ रही है वहाँ तक हम ले लेंगे। अभी भी थोड़ा एक्स्ट्रा है तो थोड़ा और ऊपर कर लेंगे। देखिए अभी ये 10 इंच आ रहा है, काफ़ी है, क्योंकि 8 इंच हमने कमर तैयार करनी है तो इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा हो गया है, तो ये बहुत है। और अब हमने कमर से और नीचे तक घेर तैयार करना है। घेर तैयार हम ले रहे हैं यहाँ पे 30 इंच में, यहाँ पे लगा रही हूँ निशान 30 से 31 इंच, 31 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। 30 इंच हमने लेना है क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 14 इंच माइनस कर दिया है टोटल लेंथ में से। जैसे 43 तैयार करेंगे तो ऊपर की कमर जो चोली रहेगी वो चोली मैंने एक्स्ट्रा निकाल दी है, तो यहाँ से मैं 31 इंच ले रही हूँ। जब मैं चोली कट करूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो नॉर्मली मैंने यहाँ से 30 इंच तैयार लेना है, तो 1 इंच ऐड मैंने इसमें मार्जिन का कर दिया है क्योंकि नीचे हम पीको करेंगे। तो जहाँ पर हमने कमर का निशान लगाया था, कमर के निशान से नीचे तक इस तरह से 31 इंच पर, और यहाँ पे हमने इस तरह गोलाई में निशान लगा लिया है। ये हमारा घेर तैयार होगा। ऊपर की चोली मैं अलग से बाद में कट करूँगी। इससे हमें फ़ायदा है कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है उसी में से हमारी जो है चोली और बाजू वगैरह निकल जाती है। पहले अगर हम निकालते हैं चोली तो फिर हमारा कपड़ा जो है कई बार कम पड़ जाता है। तो ये हमारी कमर है और यहाँ से नीचे हमारा घेरा तैयार होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेंथ में तैयार करते हैं तो घेर जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ही सुंदर लगता है। ये मेरे कस्टमर का था तो ये थोड़ा सा मैंने लेंथ में नॉर्मल लेंथ रखा है। फ्लोरल लेंथ में जो है बहुत ही ज़्यादा घेर आता है। 5 मीटर में फुल फ्लेयर घेर में मतलब ये तैयार हो जाता है। अब मैं सेम तरीके से देखिए, ये नीचे वाला पार्ट कट गया है। अब मैंने लाइनिंग ली है, लाइनिंग मेरे पास थोड़ी थी। अगर आप फुल में लगाना चाहते हैं, फ्लेयर और भी हैवी करना चाहते हैं, तो वही 4 से 5 मीटर आपकी लाइनिंग, 4 मीटर मिनिमम लग जाएगी। मेरे पास ये 2.5 मीटर थी तो मैंने इस तरह से देखिए 4 फोल्ड कर लिया और इसको ट्रायंगल में फोल्ड कर लिया है और कमर पे इस तरह से निशान लगा दिया है। थोड़ी सी ये कम रहती है नीचे, घेर कम नहीं रहता है लेकिन ऊपर वाला जो हमारा फैब्रिक है उसके बराबर नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा कम रहेगा। तो यहाँ पे भी मैंने ऊपर से कोने से चेक कर लिया, जितने पे भी आ रहा है हमारा उस तरह से मैंने सेम नीचे जितना कपड़े की कमर कट की थी 10 इंच गोलाई में, वैसे ही ऊपर से कट कर लिया है। और अब हम जो लाइनिंग है उसकी लेंथ जहाँ तक आ रहा है 3 से 4 इंच छोटा भी कट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये मेरा आ रहा है यहाँ पे, तो 2 से 3 इंच कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 इंच करीब कम है। तो आप नॉर्मली इतना कम ले सकते हैं, 3 से 4 इंच, फुल घेर वाले नॉर्मली सूट जो होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है तो दिखाई भी नहीं देगा। अगर ट्रांसपेरेंट आप कपड़े का बना रहे हैं तो सिर्फ 1 से 1.5 इंच या 2 इंच ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फिर वो दिखाई देगा तो अच्छा नहीं लगता है। नीचे छोटी लाइनिंग, तो इस तरह से ये मैंने नीचे से घेर भी तैयार कर लिया है। इसको भी अब यहाँ से कट कर देंगे। ऊपर से पहले कमर को कट किया है और अब हम नीचे से इसको कट कर लेंगे। ऊपर की चोली भी मैं पहले लाइनिंग की कट करूंगी, उसके बाद हम मेन फैब्रिक से कट करेंगे। इस तरह से ये देखिए, ये हमारी लाइनिंग हो गई है। लाइनिंग का नॉर्मली घेर कम नहीं है, लेकिन जो हमारा मेन फैब्रिक है उससे थोड़ी सी कम रहेगी। इसका जो घेर है वो बहुत ज़्यादा है। जब हम इस पर पीको कर देंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है, हल्के से कर्व हो जाते हैं घेरे पे, बहुत ही ब्यूटीफुल। हमारा ये देखिए फुल घेर मैंने आपको खोल के दिखाया है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो ये फ्रेम में भी बड़ी मुश्किल से आ रहा था, तो ये हमारी जो गोल राउंड में है वो कमर हो जाएगी, और ये ओपन वाले हिस्से हैं ये हमारे दोनों साइड में रह जाएंगे। तो आगे पीछे घेर जो है बहुत ही काफ़ी है। ये देखिए ये पूरा घेर है, नीचे हम पीको कर देंगे और ऊपर कमीज जो चोली कट करेंगे उससे अटैच कर देंगे। तो चलिए अब हम ऊपर वाला पार्ट कट करेंगे। इस तरह से ये बची हुई लाइनिंग ले ली है मैंने नीचे से, जो बची हुई थी ये यहाँ से बंद है, मैंने सिल लिया है इसको। और यहाँ से मैं तीरा ले रही हूँ 7.5, क्योंकि मैंने बैक जो नेक तैयार करनी है वो छोटी तैयार करूँगी। तो अगर आप डीप बनाते हैं तो 6 इंच का तीरा ले सकती हैं। मैंने यहाँ से 7.5 लिया है और 7.5 इंच ही मैं मोड़े ले रही हूँ। सात इंच जो है मैंने मोड़े लिए हैं। अब हम बस्ट का निशान लगाएंगे। 9.5 इंच पे तैयार फिटिंग कर रही हूँ, 37 इंच तैयार करना है मुझे। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा 2 इंच लूजनेस ले रही हूँ। अब हम लेंथ लेंगे। लेंथ आप नॉर्मली जितनी लेंथ लेते हैं, जैसे हम ब्लाउज तैयार करते हैं 14 से 15 इंच, तो मैं इसमें नॉर्मली 14 इंच हमारा तैयार हो जाएगा। 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है, ऊपर नीचे मार्जिन में चला जाएगा। कमर 8 इंच तैयार करनी है तो 8 इंच फिटिंग का, और 1 इंच मैं निशान लगा रही हूँ प्लेट जो लगाएंगे, और 2 इंच का मैं और एक्स्ट्रा निशान लगा रही हूँ ये मार्जिन के लिए। तो टोटल हमारी कमर भी जो है 3 इंच जो नीचे से ज़्यादा है जितनी हम तैयार करेंगे। तो आर्म होल का इस तरह से गुलाई का निशान लगाएंगे, यहाँ से कमर से हम थोड़ा सा ऊपर 1.25 इंच का एक मैंने निशान लगाया है। कभी भी आप इस तरह अम्ब्रेला कट कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, कुर्ती या सूट कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो इस तरह से ये कट हमने ज़रूर डालना चाहिए। इससे क्या है, नीचे की तरफ हमारे कोने से नहीं निकलेंगे और बहुत ही सुंदर कमर की फिटिंग आती है। इसको सामने वाले पार्ट को कट कर लेंगे। ये जो हमने निशान लगाया इसको अभी कट नहीं करेंगे, दोनों पार्ट को आगे और पीछे का कट करने के बाद साथ में ही कट करेंगे। अब हमने ये दो पार्ट लिए हैं, कपड़ा कम होने की वजह से इसमें भी हम जोड़ लगाएंगे और ये अंदर की तरफ छिप जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए मैंने एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से, जो कि सीम अलाउंस में चला जाएगा। सेम उसी तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और सेम पार्ट हमने कट करने हैं आगे और पीछे के। आगे से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है जो कि यहाँ से खुला हुआ है, सीम अलाउंस के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है। दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो हमने कमर का थोड़ा सा कम कर दिया था, निशान लगाया था 1 इंच का गुलाई में, तो इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब हमने इस जो तीरा है वो भी 1 इंच डाउन करना है शोल्डर। तो यहाँ से ये देखिए 1 इंच जो हमारा इस तरह तीरा है इसको कम कर लेंगे।
अब हमने सेंटर पे भी निशान लगाने हैं, इस तरह कट लगा लेंगे नीचे की तरफ भी और ऊपर भी हमने इस तरह कट लगा लिया है। तो ये हमारे सामने के पार्ट जो हैं रेडी हो गए हैं। चलिए अब मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। इस तरह ये भी बचा हुआ पार्ट ही है, मैंने इसको रख लिया है और बंद साइड जो है इस तरह से होनी चाहिए। ये ध्यान रखिए कि आप जहाँ से गले का निशान आएगा वहाँ पे बंद साइड हो। तो इस तरह बिल्कुल इसके ऊपर एग्जैक्ट रखना है और इसको कट कर लेना है। इसमें कहीं पे भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है। सेम इसी तरीके से दूसरा पार्ट कट करना है। तो ये भी हमने इस तरह से, और ये सेंटर से खुला था तो इसको मैंने स्टिच कर लिया है। इस तरह से हमारे दोनों सामने के पार्ट जो हैं कट गए हैं विद लाइनिंग। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स कट करने के लिए इस तरह से मैंने ये डबल फोल्ड लिया है। ये एक बाजू कट करी हूँ, एक बाजू अलग से कट करूँगी क्योंकि फैब्रिक जो है मैं सोच रही हूँ एक्स्ट्रा ना रहे। तो ये 8 इंच की फिटिंग जाएगी मेरी और इस तरह से 12 इंच टोटल मैंने इसकी लंबाई ले ली है। 9.5 इंच करीब तैयार करूँगी, 10 से 9.5 इंच जो है इसकी लेंथ रहेगी। तो 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया है। मोरी करीब मैं 5 इंच तैयार करूँगी तो आगे से 7 इंच ले रही हूँ। अब हमने आर्म होल की जो गोलाई करनी है वो करेंगे। यहाँ से 3 इंच मैंने इस तरह से अंदर की तरफ लिया है और ये शेप डाल देंगे बाजू की। अब यहाँ पे 7 इंच लिया है मैंने क्योंकि 5 इंच तैयार करूँगी। 2-2 इंच मैंने दोनों तरफ ले लिया है। मोड़े में भी 2 इंच एक्स्ट्रा है और मोहरी में भी। अब इसको कट कर लेंगे। दोनों बाजू हमने सेम कट करनी है। बाजू हमारी रेडी हो गई है। दोनों बाजू इसी तरह से कट कर लेंगे। अब हमने ऊपर वाले पार्ट को तैयार करना है। तो इस तरह से ये मैंने इस तरह से स्टिच किया था तो ये आपको दिखा देती हूँ। सामने जो यहाँ पे हमारा कपड़ा कम था मैंने खुला हुआ कट किया था तो उसको बंद कर लेंगे और मेन फैब्रिक को इस तरह से ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी क्योंकि कपड़ा जो है जॉर्जेट टाइप का कपड़ा है, ये बहुत फिसलता है, इसलिए पहले ही लाइनिंग को इस तरह से मशीन के साथ इसको अटैच कर लेंगे। आगे और पीछे के पार्ट जो इसी तरह से मैंने तैयार कर लेने हैं। दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। सामने की नेक की जो मैंने डिज़ाइन बनाई है वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ये डिज़ाइन मैंने इसका तैयार किया था तो फुल डिटेल में मैं नेक तैयार जो किया है वो वीडियो आपको बता दूंगी, एंड स्क्रीन पे भी और आई बटन में डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका मैं लिंक डाल दूंगी। तो वहाँ से आप गले की फुल डिटेल देख लेना। और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने अलग अलग डाला है। ये बैक नेक तैयार कर रहे हैं, 4.5 इंच जो है चौड़ाई और 3.5 इंच की पीछे से लेंथ रहेगी और ये हमारा नेक कट हो जाएगा। ये बैक पार्ट है, फ्रंट की मैं वीडियो बता रही हूँ वो आप उधर से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी उरेबी पट्टी लगाऊंगी। तो ये 1.5 इंच ही मैंने उरेबी पट्टी ली है और इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से इसके साथ अटैच कर देंगे। आप चाहें तो इसमें बुकरम भी लगा सकते हैं, बिना बुकरम के भी ये नॉर्मली अच्छा तैयार हो जाता है। अगर आप फिर भी बुकरम लगाना चाहते हैं तो आप बुकरम लगा के भी बैक साइड तैयार कर सकते हैं। मैं नॉर्मली इसी तरह से कपड़ा जो उरेबी पट्टी है वो लगा के तैयार करती हूँ बैक नेक को। और इसको पलट के विद मार्जिन को भी पट्टी की तरफ पलट देंगे और इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे। जब आप इस पट्टी के साथ तुरपाई करते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग आती है इस तरह से लगाने से। मैंने डबल कर ली थी और फिर इसके ऊपर एक सिलाई और लगा दी है और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारा नेक तैयार हो जाएगा। तो दोनों सामने के और पीछे के दोनों पार्ट के नेक तैयार हो गए हैं। अब हमने प्लेट के निशान लगाने हैं। तो सेंटर में थोड़ा सा कट लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लग रहा है उसको हटा देंगे।
ये सारा हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया था फैब्रिक, तो इसको हटा दिया है। अब हम प्लेट के निशान लगाएंगे। तो शोल्डर से हमने 10.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से सेंटर से 3.5 इंच पे। इस तरह से ये हमारा प्लेट का निशान हो गया। दोनों तरफ इस तरह से सेम मार्क लगाएंगे, वही 10.5 और 3.5 इंच। अब इसको इस तरह से बैक साइड में आप थोड़ी सी पतली प्लेट लगाएं और फ्रंट में थोड़ी सी आप ज़्यादा मोटी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप 0.5 इंच की लगा रही हैं तो वहाँ पे आप 0.25 इंच की लगा सकते हैं। इस तरह से दोनों प्लेट लगा देंगे। ये देखिए ये प्लेट तैयार हो गई हैं। अब हमने पीछे वाले में तैयार कर लिए, तो अब सामने वाले में भी इसी तरह से तैयार करेंगे प्लेट लगा के। इस तरह फोल्ड कर देंगे इसको डबल में, और इसमें भी जहाँ पे भी कच्चा करने के बाद लगे कि एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हटा देंगे, और आगे की जो आर्म होल की कटिंग होती है वो भी इसकी बाकी है अभी, वो भी कर देंगे। तो इसमें देखिए जहाँ पे आपको लगे एक्स्ट्रा है, ये आर्म होल की 0.25 इंच पे करीब मैंने इस तरह से इसकी कटिंग की है, अंदाजे से फ्रेंड्स मैंने की है। जहाँ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो वहाँ निकाल दें। सेम वही निशान लगाने हैं 3.5 इंच अंदर की तरफ से, यहाँ से 10.5 इंच की लेंथ और चौड़ाई जो है बीच से 3.5 इंच मैंने इस तरह दूरी पे ली है, बीच की दूरी से। सेम वही निशान दूसरी तरफ। साढ़े दस इंच और सेम वही 3.5 इंच। चलिए इसको भी स्टिच कर देते हैं। थोड़ी सी चाहें तो आप एक्स्ट्रा मोटी लगा सकते हैं इसमें प्लेट हल्की सी। दोनों पार्ट को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। एक प्लेट लग गई है, अब दूसरी वाली प्लेट लगाएंगे। आगे और पीछे दोनों पार्ट में हमारी इस तरह से प्लेट लग चुकी हैं। अब हमने ये देखिए बीच में कट लगाया था, इसी तरह से घेरे में भी हमने बीच में इस तरह से कट लगाना है, और लाइनिंग को उसके साथ मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है। ये देखिए इसके साथ सिल लिया है ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स रहे। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। ये सेंटर है और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। अब जो है ऊपर का पार्ट जब हम इसके साथ अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से अटैच हो जाएगा। ये सामने वाला पार्ट है और इस तरह ये हमने जो कट लगाया है कट के साथ हमने इस तरह मिलाना है, और इसको जो कपड़ा एक्स्ट्रा अगर आ रहा है आपका तो उसको बाहर की तरफ निकाल देंगे, क्योंकि हमने सेंटर से सेंटर मिला के ही इसको स्टिच करना है। बिल्कुल इसके ऊपर ही हमारा आना चाहिए, कट के ऊपर ही कट सेंटर वाला आना चाहिए। डबल स्टिच लगा देंगे, क्योंकि फिटिंग होने के बाद अगर सिलाई निकल जाती है तो सिलाई लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए ज़रूर डबल स्टिच लगाएं इस तरह। देखिए सामने का पार्ट हमारा रेडी हो गया है, और जब हम इस तरह से गुलाई करके हमने लगाया कट किया था 1.5 इंच का साइड में, तो इसकी जो गुलाई है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आई है देखिए, और पीछे का भी मैंने इस तरह से इसको रेडी कर लिया है। अब हम शोल्डर जॉइंट कर देंगे। ये हमारा आगे और पीछे के दोनों पार्ट रेडी हैं। ये देखिए बिल्कुल गुलाई में जुड़ा है, और अब हम ये देखिए दोनों शोल्डर को जॉइंट कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर पलट के रख देंगे। और इस तरह से ये मैंने पट्टी जो लगाई थी वो एक्स्ट्रा है, इसको पट्टी को पलट के लगाएंगे। देखिए तीरा जोड़ने का एक बहुत ही सही तरीका है, इस तरह से पट्टी को इसके ऊपर ओवरलैप करके रखेंगे ताकि जो है गले की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आए, और सिलाई जो लगती है वो गले से गुम हो जाएगी। दूसरे वाले को भी इस तरह से जो गले की पट्टी है उसको एक्स्ट्रा जो थी उसको ओवरलैप कर देंगे, और इस तरह से ओवरलैप करने के बाद डबल स्टिच लगा देंगे।
दोनों शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। देखिए खुलने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ ये जॉइंट होता है। दोनों शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा देंगे और जो बाजू हमने कट की थी उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आगे से फोल्ड करेंगे। करीब 1.5 इंच हमने इसको फोल्ड करना है। 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया था, 1/2 इंच ऊपर की सिलाई में चला जाएगा जब हम जॉइंट करेंगे। दोनों बाजू को फोल्ड कर देंगे और फिर हमने इसकी आगे की कटिंग करनी है। तो दोनों बाजू को एक साथ रखेंगे। ये दोनों बाजू मैंने एक दूसरे के ऊपर रख ली हैं और बाजू का हमेशा ध्यान रखें, एक के सामने एक इस तरह से रखनी है कि जो कटिंग है वो हमारी दोनों बाजू की एक तरफ की ना हो। अब हमने इस तरह से फिटिंग का निशान लगा लेना है। ये देखिए नीचे की तरफ जो है पीको हो जाएगा, ऊपर वाले को हम फोल्ड कर देंगे लाइनिंग वाले को। ये देखिए घेर है, यहाँ पे हम पीको कर देंगे जिससे क्या है घेर और भी खूबसूरत हो जाता है। इस तरह से यहाँ से मैं इसको अस्तर को अलग से कट कर दूँगी, अलग सिलूँगी क्योंकि जो लाइनिंग है वो हमारी कम है और जो मेन फैब्रिक है वो ज़्यादा है। अब हम इसी तरह बाजू की फिटिंग लगा लेंगे। मैंने निशान लगा लिए हैं, अब इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए नीचे घेर जो है बहुत ही ज़्यादा और खूबसूरत बना है। तो चलिए इसको स्टिच करते हैं। अब मैं इस तरह से नीचे वाले घेर को फोल्ड कर दे रही हूँ। नीचे की तरफ से 1/2 इंच का इस तरह मैं फोल्ड कर दूँगी। आगे और पीछे हमने दोनों पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम साइड में जो फिटिंग है उसको लगाएंगे। अब हम साइड फिटिंग लगा देंगे। इसमें मैं एक तरफ पूरी साइड फिटिंग लगाऊंगी और एक तरफ जो है चोली तक जो लगा के फिटिंग और जो हमारा नीचे का घेर वाली लाइनिंग है उसको मैं अलग से स्टिच करूँगी, जैसे नॉर्मली रेडीमेड में आता है। तो वो क्लिप मैं बनाना भूल गई थी, तो उसके लिए फ्रेंड्स सॉरी। क्योंकि मैंने ये अलग से इसलिए सिला है क्योंकि नीचे वाला जो घेर है मेन फैब्रिक का वो बहुत ज़्यादा है और लाइनिंग का जो घेर है वो थोड़ा कम है, तो प्रेस प्रेस करने में हमें दिक्कत होगी और इसको हम जब पूरे को खोलते हैं इस तरह से उठाते हैं तो भी हमारा जो है ये घेर पूरा खुल नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने इसको बाद में जो है अलग से स्टिच किया था और मेन फैब्रिक को अलग से स्टिच किया था, जिससे क्या है दोनों का घेर जो है अलग अलग हो गया है, खुलने में भी हमारा जो दिक्कत नहीं होती है और आयरन करते हैं तब भी हमें दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए हमारी फिटिंग हो गई है। अब हम बाजू को भी इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह बाजू को सीधा कर लेंगे और जो हमारा कमीज है वो उल्टा है। इस तरह जॉइंट से जॉइंट मिलाएंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को एक को राइट में एक को लेफ्ट में फोल्ड कर देंगे और इस तरह से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एकदम अच्छे से लेते हुए बराबर और स्टिच लगा देंगे। बहुत हल्के हाथों से हमने इसको स्टिच करना है, खींचना नहीं है। इस तरह से थोड़ी सी मेरी बाजू जो है एक्स्ट्रा हो रही थी, तो मैंने जो स्टिच स्टार्ट हुआ था सिलना वो थोड़ा सा खोल दिया था। इससे क्या होता है कि जो अगर आपका बाजू का कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको थोड़ा सा आप खोल के दोबारा स्टिच कर दें आगे तक, तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये देखिए जॉइंट के ऊपर बिल्कुल जॉइंट आया है बराबर और शोल्डर से भी इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बाजू की जो है फिटिंग जो हो गई है। स्टिच मैंने इस तरह से कर लिए, दूसरी बाजू को भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए और इस पर हम इंटरलॉक कर लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इंटरलॉक में कट के अलग हो जाएगा, ऊपर का फोल्ड हो गया है, नीचे वाले घेरे पे भी इस तरह से हम पीको कर लेंगे। ये देखिए घेर जो है बहुत ही अच्छा बना है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये बना के। तो इस तरह से आप भी कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो मेरी वीडियो देख के बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। अब हम नीचे का घेर बचा है उसको पीको कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ये उषा जिनोमी ऑटोमेटिक मशीन है इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कोई इसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इससे मैं इस तरह से पीको कर रही हूँ। पीको की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है तो वहाँ जाके मेरे चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि पीको हम कैसे करते हैं। इसमें मशीन में बहुत सारे अलग अलग फंक्शन हैं जो कि मैं वीडियो बहुत सारी आने वाले टाइम में अपलोड करने की कोशिश करूँगी और मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी कर भी रखी हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कम्प्लीट होने जा रही है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ कि आपको कैसी लगी और शेयर व लाइक भी करें। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।